चलिए आज मैं आपको झारखंड की उपराजधानी दुमका में शिकारीपाड़ा के नज़दीक मलूटी गांव की सैर कराती हूँ, जिसे गुप्तकाशी और मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। दुमका से करीब 60 किलोमीटर की दूरी में बसा है मलूटी गांव। चलिए मैं आपको चलते चलते मलूटी की कहानी बताती हूँ। मलूटी गांव में इतने सारे मंदिर होने के पीछे एक रोचक कहानी है। यहाँ के राजा महल बनाने के बजाय मंदिर बनाना पसंद करते थे और राजाओं में अच्छे से अच्छे मंदिर बनाने की होड़ सी लग गई। परिणाम स्वरूप यहाँ हर जगह खूबसूरत मंदिर ही मंदिर बन गए और ये गांव मंदिर के गांव के रूप में जाना जाने लगा। मलूटी के मंदिरों की यह खासियत है कि ये अलग अलग समूहों में निर्मित है। भगवान भोले शंकर के मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ दुर्गा, काली, धर्मराज, मनसा, विष्णु आदि देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ मुलाक्षी माता का भी मंदिर है, जिनकी मान्यता जागृत शक्ति देवी के रूप में है। अनाथ किसान थे राजा बाज बसंत। यह गांव सबसे पहले ननंकर राजवंश के समय से प्रकाश में आया था। उनके बाद गौर के सुल्तान अलाउद्दीन हंसा 1495 से 1525 ने इस गांव को बाज बसंत राव को इनाम में दे दिया था। राजा बाज बसंत शुरुआत में एक अनाथ किसान थे। उनके नाम के आगे बाज शब्द कैसे लगा, इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार की बात है, जब सुल्तान अलाउद्दीन की बेगम का पालतू पक्षी बाज उड़ गया और बाज को उड़ते देख गरीब किसान बसंत ने उसे पकड़कर रानी को वापस लौटा दिया। बसंत के इस काम से खुश होकर सुल्तान ने उन्हें मलूटी गांव इनाम में दे दिया और बसंत राजा बाज बसंत के नाम से पहचान जाने लगे। मंदिर बाज बसंत राजवंशों के काल में बनाए गए थे। शुरुआत में कुल 108 मंदिर थे, लेकिन संरक्षण के अभाव से अब सिर्फ 72 मंदिर ही रह गए। इन मंदिरों का निर्माण 1720 से लेकर 1840 के मध्य में हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण सुप्रसिद्ध चार रीति से की गई है। छोटे छोटे लाल सुर्खियों ईटों से निर्मित है और इनकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर 7 फीट तक है। इन मंदिरों के दीवार पर रामायण महाभारत के दर्शन का चित्रण भी बेहद खूबसूरती से किया गया है।